बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। दोनों की लव स्टोरी से जुड़े कई किस्से बेहद मशहूर हैं। धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल हेमा की खूबसूरती पर ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी उनसे दूसरी शादी करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हेमा से शादी से पहले धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र केवल 19 साल थी। प्रकाश से शादी के बाद धर्मेंद्र चार बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के पिता बने, लेकिन फिल्मों में काम करते हुए उनका झुकाव हेमा मालिनी की तरफ हो गया। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश को बिना बताए तलाक दिए हेमा को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। उनके इस फैसले से उनका परिवार बिखर गया। धर्मेंद्र के ऐसा करने से प्रकाश कौर और बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी इतने अधिक गुस्सा हुए कि वो हेमा मालिनी पर अपनी भड़ास निकालना चाहते थे और उन पर हाथ उठाना चाहते थे। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने सनी और हेमा के बारे में छपी इस खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा था कि परिवार को धर्मेंद्र के ऐसा करने से काफ़ी बड़ा सदमा लगा था, लेकिन उन्होंने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी के साथ ऐसा सलूक करें। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के दूसरी शादी के फैसले को भी सही ठहराते हुए उनका पक्ष लेते हुए कहा था, धर्मेंद्र की जगह कोई भी मर्द होता तो वो मेरी जगह हेमा मालिनी को ही चुनता, तो केवल उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा मर्द शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ मेरे पति को ही वुमनाइजर क्यों कहा जा रहा है? प्रकाश ने भी ये कहा था कि अगर वो हेमा की जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तो गाइस, क्या कहना है आपको धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के लिए, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।